एशिया के सबसे बड़े मेले की तैयारी हो रही है। जी हां, सोनपुर मेला 2023 अब सजने लगा। उस तरफ में देखिए बांस बल्ली गड़ने लगा है और उस तरफ में थिएटर का बाजार भी सज रहा है। और अगर इधर घूम जाए तो ये देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार के सामने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कार्यालय खुलता था उधर में देखिए ऊपर टेंट भी लग गया है। कुल मिला के कहे तो सोनपुर मेला की तैयारी बड़ी जोर शोर से शुरू हो गया है और 25 नवंबर से लेकर के मेला शुरू होगा। अब पूरा एक महीना ये चलेगा और इस बार ऐसा होगा कि पूरा एक महीने के इस मेला का हर दिन एक वीडियो वे फॉर यू पर आपको दिखेगा कि मेला में कहाँ क्या हो रहा है। ऐसा हम लोगों ने प्लान किया है। अगर आपको पसंद आया तो हर दिन एक वीडियो आएगा। लेकिन आज मेला की तैयारी कैसी हो रही है उसकी तस्वीरों के साथ हम हाजिर हैं। और इधर में देखिए चाउमीन बनने लगा है। चाउमीन बनना कैसे प्लेट है 40 रुपये प्लेट। तो अब मेला में समझ लीजिए चाउमीन वोमिन अभी से मिलने लगा। और इधर अगर कैमरा आ जाए तो सामने से देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक बांस बल्ली गड़ रहा है और मेले की तैयारी हो रही है। एकदम कतार में आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर में लकड़ी बाजार और लकड़ी बाजार से आगे जो चिड़िया बाजार लगता है उधर में भी झूले लगाए जा रहे हैं। और अगर इस तरफ में कैमरा घूम जाए सामने से अगर गौतम आगे आ जाए तो यहाँ से सामने सोनपुर मेला का मुख्य द्वार है उसके ठीक उस तरफ में जो आपको अभी पटना के गांधी मैदान में जो फिश टनल आया था जो राजगीर में भी वो टनल देखे थे वो बड़ा वाला एक्वेरियम इधर में लग रहा है। जापानी झूला लग रहा है और कई तरह के झूलों को लगाने की तैयारी हो रही है। कुल मिला के समझ लीजिए कि 2023 का यह जो सोनपुर मेला है कुछ नया होने वाला और कुछ अलग होने वाला है। कैमरा जिधर में घूम जाए उधर में आपको तैयारी होते हुए दिखाई देगा। बांस बल्ली गढ़ते हुए दिखाई देगा। दुकानदार दुकान ढूंढते हुए दिखाई देंगे। अभी हमको मिले थे टर्किश आइसक्रीम वाले, वो भी अपने लिए जगह खोज रहे हैं। और इस तरफ में भी देखिए यहाँ पर रेल ग्राम के ठीक बगल में यहाँ भी बांस बल्ली लग रहा है। क्या खुलेगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि तैयारी बड़ा जोर शोर से हो रहा है। ये जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर अभी टेंडर होना बाकी है। कल 17 तारीख को इसका जो है बोली लगेगा और जो लोग इसका टेंडर लेंगे वो फिर काम शुरू करेंगे। और 8 दिन का वक्त होगा उनके पास क्योंकि 25 को मेले का उद्घाटन होने वाला है। फिर एक महीने तक ये मेला चलेगा। 27 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन जो है यहाँ स्नान होता है और उसके लिए तैयारी हो रही है। और इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बार फिर से शाही स्नान होगा और ऊपर से जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो इसका जो तस्वीर होता है बड़ा नायाब होता है। सामने से देखिए दो ब्रिज हैं जो गंडक नदी के ऊपर बना और उससे जब ट्रेन गाड़ी गुजरती है तो अपने आप में मोहक होता है। एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है क्योंकि पूरे विश्व भर को यह मेला अपनी ओर खींचता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला कहलाता है क्योंकि एक महीने तक चलता है ये और एक दिन में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग मेला में पहुंचते हैं। तो समझ लीजिए कितना बड़ा फुटफॉल होता होगा पूरे एक महीने के अंदर। कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करवाते हैं आपकी। मुनमुन जी, कैसी तैयारी, कैसा होने वाला मेला? मेला तो अपने आप में अजूबा होता है और होते आएगा, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार के सरकार से पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार केवल नालंदा इलाका के लिए कि पूरे बिहार का लिए सरकार है? यहाँ के लोगों का खुला आरोप है कि सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हुआ करता था, कागज अब कागज में होता है। कि सरकार नीतीश कुमार का पूरा दिमाग केवल नालंदा का मेला में है, राजगीर मेला में ही रहता है। यहाँ तक यहाँ के खुला आरोप है कि हम मेला में उद्घाटन करने तक भी अपने यहाँ नहीं आते हैं। ये कितना बड़ा सौतेला व्यवहार इस मेला के साथ हो रहा है वो साफ झलक रहा है। के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जिस तरह नालंदा को जिस हाथ देखते हैं उसी तरह सोनपुर मेला को भी देखें। वो भी बिहार का अंग है, सारण भी बिहार का ही अंग है, सोनपुर मेला बिल्कुल है, पटना से सटा हुआ एरिया है। समझ लीजिए मुख्यमंत्री वहाँ मेला से पहले 2 बार विजिट कर लेते हैं, फिर मेले के उद्घाटन में भी जाते हैं, फिर मेला का जो वहाँ का स्वरूप होता है सरकारी उसमें और इसमें बहुत अंतर। लेकिन दोनों जी कितना थिएटर आ रहा है? 6 थिएटर पर, मतलब एक ज़्यादा पिछले बार से एक बार। समझ लीजिए अब इस बार ज़्यादा युवाओं का दंगल होगा यहाँ पर, हो सकता है। और कुछ नया है इस बार मेला में? नहीं, वही फिश टनल है। हाँ, तो समझ लीजिए सोनपुर मेला में इस बार नया क्या है तो फिश टनल उस तरफ में लग रहा और 6 थिएटर लग रहे हैं। तो समझ लीजिए राजगीर से भी बड़ा धमाल होने वाला है और तैयारियां बड़ी जोर से। मान लीजिए आज 16 तारीख है और 25 को उद्घाटन होना है। यहाँ बांस बल्ली भी नहीं गड़ा जहाँ से आयोजन स्थल पर आयोजन होगा। तो ये है और इसको लेकर के आरोप है लोगों का। सरकार अगर देखती है तो इसको थोड़ा सा प्री अरेंजमेंट हो तो मेला और शानदार होगा और जानदार होगा। उसको हम लोग भी पहले से दिखाएंगे और ये भी पता चलेगा लोगों की कैसी तैयारी हो रही है। अचानक से होता तो चीज़ें
एस्क्यूट हमको लगता है उस हिसाब से नहीं होता होगा जैसा राजगीर में होता था। राजगीर में तो देखा हमने कि बड़े बड़े टेंट लगे थे, लोगों को रुकने खाने पीने सब चीज़ का अरेंजमेंट था। चाचा क्या बेच रहे हैं आप, मेला में लगाते हैं या पहले से लगा रहे हैं? पहले से लगा रहे हैं। अच्छा, मेला का कुछ तैयारी हो रहा है, दुकान उकान आ रहा है, क्या सब मिलेगा खाने को? हर चीज मिलेगा। हाँ, आपका झालमुरी दुकान लगेगा कि नहीं? देखिए लग रहा है कि नहीं। जगह मिला आपको? अभी जगह नहीं मिला। फिलहाल कैमरा फिर से इधर घूम जाए तो जाते जाते आपको दिखा दे, ये मेले का मुख्य प्रदर्शनी एरिया है जहाँ अभी दुकानें लगने लगी है। सोनपुर मेला में यहाँ पर फिश टनल लगने वाला, और ये देखिए इस तरफ में एक झूला इधर में, ये देखिए ब्रेक डांस झूला है, और इस तरफ में ये देखिए जर्मन झूला लग रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक होता है पूरी तरह से। और अगर इस तरफ में घूम जाइए तो ये वाला जो है यहाँ वैष्णो देवी का गुफा बन रहा है, और इस गुफे को देखिए अभी बांस से रास्ता बनाया जा रहा है ऊपर ले जाने का, और ऊपर से इस गुफा में आएंगे। इसके लिए भी टिकट लगेगा आने वाले समय में, लेकिन इस गुफा का निर्माण हो रहा है, अगर आएंगे तो ये भी आपको दिखाई देगा। फिलहाल इधर में आ जाइए तो फिश टनल में जो मछलियाँ हैं उस मछलियों को इधर में रखा गया इक्वेरियम के लिए, और जब इक्वेरियम पूरी तरह से बन करके तैयार होगा तो पूरा जैसे आप पटना में गांधी मैदान में देखे थे फिश टनल बना हुआ था, राजगीर में देखे थे उसी तर्ज पर एक बड़ा वाला फिश टनल इधर में तैयार करेंगे लोग, उसमें मछलियाँ आपको ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगी जैसा दिख रहा था। कुल मिलाकर अगर कहें तो यहाँ से लेकर के और सोनपुर मेला के आखिरी छोर तक, यानी यहाँ से अगर देखें तो 1 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच दिखता है, इसमें हर जगह कुछ ना कुछ तैयारी हो रहा है सोनपुर मेले के लिए। आगे स्वरूप कैसा रहेगा, क्या क्या तैयारियाँ आगे बढ़ रही है, कैसा सब रहेगा अब से लेकर के जब तक मेला शुरू होगा, या कहिए जब तक मेला चलेगा, अगर आप लोग वीडियोज पसंद करेंगे तो हर वीडियोज हमारे जरिए दिखेगा। बाकी इसी तरह का और वीडियोज को, या कहिए तो सोनपुर मेला को लगातार देखते रहने के लिए यूट्यूब पर वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।